हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस कॉमिक्स पर। दोस्तों मैं हूं संजीव और आज के इस वीडियो में हम लोग एक देखेंगे कार्टून लोगो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों इस टाइप का एक वेक्टर आर्ट जो मैंने प्रीव्यू में आप लोगों को दिखाया, उस टाइप का एक कार्टून लोगो आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो, इस वीडियो में सारा कुछ देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक अगर देख लेते हो तो आप लोगों भी इस तरह का एक कार्टून लोगो क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि कार्टून लोगो क्रिएट करना कितना मुश्किल काम है, तो इस वीडियो में मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को बताऊंगा आप लोग एक क्लिक में ही इस टाइप का एक लोगो क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों आप इस टाइप का लोगो क्रिएट करके आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस टाइप का कार्टून लोगो क्रिएट करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करो एंड चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा देर न किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को प्ले स्टोर पर चले जाना है एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा टून मी करके, ठीक है। तो टून मी करके आप लोग सर्च कर दीजिएगा एंड दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों फर्स्ट आप लोगों को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही देख सकते हो दोस्तों इस टाइप से कुछ यहाँ पर लोगो आप लोग देख सकते हो। तो जिस भी टाइप का आप लोगो क्रिएट करना चाहते हो उस टाइप के लोगो पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आपका गैलरी शो कर रहा है एंड यहाँ पर दोस्तों आप लोग टच कीजिएगा एंड यहाँ पर जिस भी पिक्चर का आप यहाँ पर कार्टून लोगो क्रिएट करना चाहते हो उस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस पिक्चर को आप लोग इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जितना तक आप इस पिक्चर को कार्टून करना चाहते हो उस तक इसको रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है आप लोगों पर मैं देख सकते हो एंड थोड़ा सा नीचे ऐड रन होगा। तो ये प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कुछ रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप लोगों को जिस भी पसंद है तो उस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये रेडी होकर चला आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसका जो बैकग्राउंड है आप बैकग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आप लोगों को एक बार बैक करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐड रन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कट कर देना होगा। कट करते ही यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एनिमेट करके आ रहा है। यहाँ पर तीन चीज़ आप लोग देख सकते हो, एनिमेट है एंड यहाँ पर आर्ट एंड इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग अगर टच करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा आर्ट एंड इफेक्ट दिखा रहा है। तो आप लोग अगर इस पर टच करोगे तो ये जो बैकग्राउंड है इसका ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, बहुत कुछ है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को शेयर पे टच करना होगा। शेयर पे टच करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसका लोगो आ जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस तरह से सेव करोगे तो ये लोगो रह जाएगा। तो लोगो आप लोगों को हटाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस पोजीशन में आप लोगों को इसको एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को किसी भी एप्लीकेशन पर जाना होगा एंड इसको क्रॉप कर लेना होगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इसे आप लोग सेव कर सकते हो एंड सेव करने के बाद आप लोग अपने यूट्यूब के जो लोगो होता है उस पर भी यूज़ कर सकते हो या किसी भी जगह पर ये यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो वही तक था। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें एंड आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।